हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्यूटी एंड मेकअप टिप्स बाय प्रीति। एंड मैं हूँ प्रीति। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कोई मेकअप टिप्स या कोई ब्यूटी टिप्स मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ब्लॉग जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम आए वीकेंड्स पे उत्तराखंड, एंड दिल्ली से उत्तराखंड आने में मैं नहीं ब्लॉग बना पाई बिकॉज बच्चे के साथ मुझे इतना टाइम नहीं मिला और ऊपर से इतनी गर्मी थी तो मैं नहीं बना पाई। बट अब हम यहाँ पे वेकेशन मना रहे हैं, छुट्टियाँ मना रहे हैं, इधर उधर घूमने जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ यहाँ की जगहें कि कितना अमेजिंग वेदर है यहाँ का, कितना अच्छा मौसम है यहाँ पे। तो हम आए हैं चम्बा में, मेरा मायका है यानी मेरी मम्मी का घर है चम्बा, मैं वहाँ आई थी। बट अब हम घूमने आए हैं धनोल्टी मसूरी, तो आज हम धनोल्टी में स्टे कर रहे हैं, धनोल्टी आए हैं। और मेरे साथ आए हैं प्रीशा एंड प्रीशा के पापा। अभी तक मैंने आपको किसी से इंट्रोड्यूस नहीं कराया था। प्रीशा मेरी बेटी है एक साल की हो चुकी है, एंड अमित मेरे हस्बैंड है जिन्हें मैं आगे अपने ब्लॉग में आपके साथ बताऊँगी। तो इंजॉय करो आप मेरे साथ कि मैं क्या क्या आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा मौसम है यहाँ पे, बहुत ही अमेजिंग वेदर है, बहुत ठंडा है यहाँ पे, बहुत ठंडा। आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी कि कितना कोहरा है यहाँ पे। तो आइए देखते हैं। मैं आए हैं यहाँ पे, प्रीशा के लिए बहुत सारे गेम्स भी हैं खेलने के लिए, और प्रीशा आई है, प्रीशा के पापा आए हैं। प्रीशा अपने पापा के साथ है। हाय हाय ननू, हाय। चलो आप देखते हैं आगे यहाँ का वेदर कैसा है। यहाँ पे बहुत ठंडा हो रहा है। यहाँ पर इको पार्क की एंट्री है, लिखा है यहाँ पे धनोल्टी इको पार्क, और यहाँ पे शॉप है ये भुट्टे की, एंड बहुत सारी शॉप है यहाँ पे, कैफे भी हैं टूरिस्ट के लिए। सो बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स है इधर, जैसे पार्क में होते ही हैं, बच्चों के लिए गेम्स है यहाँ पे। बहुत हरियाली है यहाँ पे, बहुत प्यारे प्यारे पहाड़ दिख रहे हैं, ग्रीन, एकदम ग्रीन व्यू है, बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ पे। कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? रुको गिरने जाए। प्रीशा, प्रीशा, ता, ता, मजा आया आपको? ता, ता। ये देखिए आप, यहाँ पे इतनी ठंड पड़ रही है, बहुत कोहरा है यहाँ पे। बहुत ही अमेजिंग प्लेस है धनोल्टी में। हम हैं अभी इको पार्क में धनोल्टी में। जो लोग उत्तराखंड से हैं यानी जो टिहरी से हैं या चंबा से हैं उन्हें तो पता होगा, बट जो बाहर के लोग हैं उन्हें यहाँ के बारे में नहीं पता है, और जो लोकल होंगे उन्हें तो खैर पता ही होगा। लेकिन मैं आप लोगों से शेयर करूँ कि आप ज़रूर अपनी फैमिली के साथ एक बार यहाँ पर आए, बहुत ही अमेजिंग प्लेस है। इस महीने में इतनी कड़कती गर्मी में यहाँ पे इतना ठंडा मौसम है, तो आप सोच सकते हैं यार कि कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बहुत है घूमने के लिए, बहुत बड़ा पार्क है। सो जंगल भी है यहाँ पे। अकेले जाने में डर भी लगता है, लेकिन अभी तो बहुत सारे लोग हैं। शाम के कितने हो रहा है टाइम? मैंने कहा बाबू टाइम 5:30 या 6 बज चुकी है। तो हम सब जा रहे हैं अभी ऊपर। बहुत बड़ा पार्क है, और इतना बड़ा ब्लॉग मैं नहीं बना सकती क्योंकि प्रीशा को लेके थक भी लग जाती है। प्रीशा अभी वो अपने आप से नहीं चल पाती है। सो शाम का टाइम हो चुका है काफ़ी, एंड आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट के थ्रू बताइए, ऐसे ही मैं ब्लॉग आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अभी हम रहेंगे धनोल्टी में कुछ दिन, उसके बाद हम मसूरी जाएंगे, तो वहाँ के भी ब्लॉग अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। सो अभी हम रूम पे जा रहे हैं। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, मिलते हैं मेरे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।